हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं कुछ मिस्टेक्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो जनरली हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे करते हैं। सो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से जो मुझे लगता है कि मिस्टेक्स जनरली होती हैं, तो कुछ मिस्टेक्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहली मिस्टेक जो मैंने अपनी एक इंटरव्यू में करी थी, वो मिस्टेक थी कि मैंने इंटरव्यू प्रॉब्लम अच्छे से समझी नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इंटरव्यूअर ने एक प्रॉब्लम दी थी। मैंने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम को जल्दी समझने में मैंने जल्दी कर दी समझने में। ठीक है, इंटरव्यूअर से मैंने उतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी कि इस इनपुट के लिए क्या हो सकती है आउटपुट और ऐसे ऐसे। यही एडवाइस रहेगी कि एक बार अच्छे से इंटरव्यू प्रॉब्लम समझ लो। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो इंटरव्यू को बोल दो कि कुछ टेस्ट केसेस से समझा दो। ठीक है, बिल्कुल रश मत करो समझने में, क्योंकि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही गलत समझ आएगी तो तुम अप्रोच भी गलत ही लगाओगे। ठीक है, वो अप्रोच, जितना तुम अप्रोच सोचने में टाइम लगाओगे उससे अच्छा उसमें तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा ना, क्योंकि तुमने प्रॉब्लम ही नहीं सही समझा। एक मिस्टेक ये हो जाती है कि हम अच्छे से इंटरव्यू प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो ये रिपीट मत करना, अच्छे से प्रॉब्लम सुन लेना। सेकेंड मिस्टेक ये है कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू के खत्म होने के बाद जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। सो कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्लियर, या ऐसे ऐसे। मैं यही बोलूंगी कि ऐसा मत कहो। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो पर जरूर पूछो। इससे पता लगता है कि तुम एक्टिव हो और तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, इंटरव्यू में। सो अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कि डू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, सो कुछ क्वेश्चंस जो तुम इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो, जैसे कि तुम पूछ सकते हो कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन टिल डेट इन एक्स वाई जेड कंपनी, और व्हाट डिड यू लर्न टिल डेट फ्रॉम इन कंपनी, वर्किंग इन दिस कंपनी। और कुछ ऐसा पूछ सकते हो कि व्हाट टेक स्टैक यूज्ड इन द कंपनी, और व्हाट आई विल बी वर्किंग ऑन, या विच टीम आई विल बी इन। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस तुम पूछ सकते हो जिससे लगे कि तुम इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो जरूर क्वेश्चन पूछा करो, कोई भी क्वेश्चन पूछो बट जो रेलेवेंट हो। ठीक है, और प्रोफेशनल लगे। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछो इंटरव्यू के बाद। थर्ड मिस्टेक जो जनरली हम करते हैं कि जैसे हमें इंटरव्यूअर ने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये जल्दी कर देते हैं कोड लिखने में। सपोज मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी इंटरव्यूअर ने, मैंने अप्रोच सोच ली और मैंने कोड लिख दिया, और फिर हमें जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी हम कोड लिख दें और हम इंटरव्यूअर को दिखा दें। ठीक है, बट उसमें जल्दी मत करो। तुमने जो कोड लिखा है उसको इंटरव्यूअर को बोलने से पहले कि हाँ आई हैव रिटन द कंप्लीट कोड, वो करने से पहले एक बार ना किसी टेस्ट केस पे वो अपना कोड रन करके देखो। ठीक है, ये देखो कि क्या जो तुमने कोड लिखा है वो सही लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोड तो लिख लेते हैं और फिर हम बोल देते हैं इंटरव्यूअर को कि मैंने कोड लिख लिया, फिर इंटरव्यूअर बोलता है कि इसको टेस्ट केस पे चला के देखो। ठीक है, और जब तुम टेस्ट केस पे चला रहे होते हो तो तुम्हारी गलती आ जाती है कोड में, कोई ना कोई गलती हो गई। ठीक है, तो वो बैड इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर को, क्योंकि इंटरव्यूअर देख लेता है कि तुमने बिना अपने कोड को टेस्ट करे तुमने सीधा मुझे बोल दिया कि तो कोड मैंने लिख लिया। ठीक है, तो कोड लिखने के बाद एक बार ना जल्दी से उसको किसी ड्राई रन कर लो टेस्ट केस पे, ताकि तुम्हें श्योर हो कि ठीक है सही कोड लिख लिया। फिर इंटरव्यूअर को बोलो कि आई एम डन विद द कोड, एंड फिर आगे इंटरव्यूअर बोल देगा कि कैन यू टेल मी टू लाइक कैन यू टेस्ट इट ऑन अ टेस्ट केस, या ऐसे ऐसे। सो ये जनरली मिस्टेक हम कर लेते हैं कि हम रश कर लेते हैं कि जल्दी जल्दी कोड खत्म कर लूं और इंटरव्यूअर को दिखा दूं, बट वो मत करना। ठीक है, सो फोर्थ मिस्टेक जो जनरली हम करते हैं कि हमें जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी इंटरव्यूअर ने, तो हम ना जल्दी कर लेते हैं। हमें इंटरव्यूअर से ये पूछना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू फर्स्ट, शुड आई एक्सप्लेन द अप्रोच एंड ड्राई रन ऑन अ टेस्ट केस, और शुड आई एक्सप्लेन द अप्रोच एंड देन कोड एंड देन एक्सप्लेन ड्राई रन ऑन अ टेस्ट केस। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा कि पहले अप्रोच बता दो और फिर ड्राई रन कर लो अप्रोच को, या फिर वो बोलेगा, या फिर तुम पूछ सकते हो कि क्या मैं पहले अप्रोच बताऊं फिर कोड लिखूं फिर ड्राई रन करूं। ठीक है, तो एक बार ये इंटरव्यूअर से पूछ लेना, एकदम से ही कुछ करने मत लग जाना, क्योंकि ये सही नहीं लगता। तुम इंटरव्यूअर से पूछोगे तो वो तुम्हें सही टाइप बता देगा कि पहले तुम ये करो फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो ज्यादा सही रहता। और एक और मिस्टेक जो हम जनरली करते हैं कि हम ना किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने से पहले हम कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाते, बट ये गलत है। सपोज अगर मैं एक्स वाई जेड कंपनी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मुझे उसका सीईओ कौन है, ठीक है, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता कि इंटरव्यू कुछ भी जनरली पूछ सकता है ना लास्ट में इंटरव्यू के बाद।
तो एक बार गीक्स और गीक्स से इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लो, ठीक है, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, और उस कंपनी के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लो कि कंपनी किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है या क्या करेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो भी, तुम थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लो, ठीक है। एंड कुछ यही मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है कि जनरली हम इंटरव्यू के टाइम पे करते हैं, और भी कुछ हैं मिस्टेक्स। सो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं सेकेंड पार्ट बना दूंगी वीडियो का, एंड जिसमें कुछ और मिस्टेक्स जो मुझे पर्सनली लगती हैं जो हम करते हैं, सो वो मैं डिस्कस कर लूँगी। एंड आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी मेरी मिस्टेक से सीख लें, एंड कॉमेंट ज़रूर करना, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।